नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। बिहार के अररिया से चौकी हाज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम रूप से हत्या कर दी है। मामला चौकी हाज के महल गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनपुर मसूरिया गाँव का है। शनिवार की देर रात पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पहले पति को नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले को लेकर रविवार को गांव में पंचायती भी की गई और मामले को रफा दफा करते हुए शव को दफना दिया गया, जिसके बाद महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें महिला ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। तब जाकर मृतक की मां ने महलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और 5 दिन के बाद बृहस्पतिवार की देर रात मृतक के शव को कब्र खोद कर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेजा गया। शव को अस्पताल ले जाने के दौरान बैरगाछी के आसपास कुछ लोगों ने शव को लूटने की कोशिश की गई। इस दौरान शव के साथ सुरक्षा में मौजूद चौकीदार के साथ मारपीट की गई। मामले की जानकारी मिलते ही महलगांव थाना पुलिस और बैरगाछी ओपी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर दो युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक के शव को सदर अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद शव को कब्र खोदकर निकाला गया है और पोस्टमार्टम कराया गया है। इस मामले में मृतक की मां के द्वारा 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हत्या हुई है 3 दिन के बाद बॉडी निकाला गया कब्र से, ये क्या मामला है? ये हत्या बहुत ही बेरहमी से इनका कत्ल किया गया है। ये मेरे ही पास से 5 बजे उस दिन इनकी बीवी और ये लड़का आया। हम उसको समझाए बाबू बढ़िया से जिंदगी गुजारो, सब कुछ कह के कोई सहारा नहीं है तुम लोगों का। उसके बाद आया उसी दिन 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में इनका मर्डर हुआ। उसके बाद हम लोग सुबह आए तो हम लोगों को पता चला कि ये ऐसे नेचुरल डेथ हुई है इनकी। फिर भी हम लोग जब नहाने के क्रम में जब इसका जख्म देखा गया, उसके बाद कहा भाई ये जख्म कैसा है, फिर गर्दन जब ऐसे हुआ तो पूरा घूमने लगा गर्दन का, गर्दन टूटा हुआ था, चेहरे पर भी और गले में भी मार का निशान था। तब इनकी बीवी से हम लोग कहा भाई ये तो उस तरह का मामला नहीं है, इसका तो मर्डर हुआ लग रहा है, कौन ऐसा किया है। बहुत कहने के बाद तब वो बोली कि हम मुन्ना साकिब और कुछ लोग हैं जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, वो लोग मिलके रात में मारा है और मुन्ना पत्नी, उसकी पत्नी ने मिलकर मारा जी, इनकी पत्नी ने मिलकर मारा है। और इनकी पत्नी का ये कहा कि तुम अपने शोहर का क्यों मर्डर करवाया, तो वो बोली कि वो लड़का से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा है, पहले वो लड़का मेरा एक बार जबरदस्ती रेप किया था, ये लड़का 2 साल पहले मेरा जबरदस्ती रेप किया था, उसके बाद वीडियो बना लिया, फिर हमको ब्लैकमेल करके फिर उससे हमको प्रेम हो गया, उसके बाद हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया। उसके बाद ये उसी रात में ये लड़का कहा कि भाई देखो आज मेरी बहन की शादी है, कल आज इसका मर्डर कर दो, कल तुमसे हम शादी कर लेंगे। और हम लोग मिलकर उसको मारा, 5-6 आदमी और था जिसको हम लोग नहीं पहचानते हैं, उसका नाम नहीं जानते हैं, वो बोली, इसकी बीवी बोली। उसके बाद फिर वहाँ सामाजिक तौर पर पंचायती करके पंचायती हुआ, कुछ फैसला भी हुआ, लेकिन उस फैसला को एक मुखिया है चैनपुर मसूरिया का सादिक और एक है क्या कहते हैं चिलनिया पंचायत का मुखिया आसिफ, ये दोनों मिलके जैसा हम लोगों को पता चला कि पैसा भी खाया है, क्या हुआ है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों में का कहना है कि पैसा लिया है और ये लोग जबरदस्ती हम लोगों के मना करने के बावजूद भी ये लोग बॉडी को मतलब जमीन में दफना दिया। उसके बाद फिर हम लोग इंतजार किए कि देखें वो लोग हम लोगों को पंचायती की खबर देता है या नहीं देता है, जब नहीं दिया उसके बाद हम लोग तब प्रशासन के यहाँ गए सारे लोग मिलके गांव समाज का, तब थाना प्रभारी को ये चीज़ कहा गया तो हम लोग दाद भी देते हैं थाना प्रभारी को, उन्होंने हिम्मत किया थाना प्रभारी महलगांव ने, और उसने बेचारा कल पूरे दिन परेशान होकर परमिशन वगैरह लेके तब रात में बॉडी उखाड़ा गया। अभी चौकीदार भाई बता ही होंगे कि इन लोगों के साथ भी घटना हो गया, बॉडी छीनना चाह रहा था। हम लोगों का यही कहना है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसका कोई सहारा नहीं, 8 परिवार आश्रित है इन पर और इनका कोई सहारा नहीं है। सबसे अपील है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द गुनहगार को सजा मिले और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, धन्यवाद, यही करना चाह रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम इनायत करीम हुआ, हम ग्रामीण हैं। तो क्या मामला है, डेड बॉडी लाया गया है? ये इसको अपनी बीवी मतलब कि प्रेम संघर्ष में जिस लड़का से कहानी चल रहा था उससे मेल में लेकर के कहा कि तुम मुन्ना पिता हासिफ प्रसादपुर टोला चैनपुर वार्ड नंबर 4
का रहने वाला है, उसी से मतलब कि उस लड़की से प्रेम चल रहा था, साजिश करके पत्नी ही अपना पति को कई लोगों के साथ, अन्य कई लोग थे उसमें जिसका नाम अभी उजागर पूरा नहीं हुआ है, उनके साथ मिल करके रात में 11-12 बजे करके हत्या कर दी। हम लोगों को बाद में सूचना मिला कि मर गया है, तो हम लोग सोचे कि अपने मौत से मरा है। हम लोग बाद में पहुंचे वहां, जब देखे कि इसका गला मुड़ाया हुआ है, तोड़ा हुआ है, नाखून ताखून तीन था और गला में पूरा एकदम कालापन बना हुआ था। जब नहाने के क्रम में ये बात पता चला और उसके बाद उसी जो लड़का मारा उसका मतलब के साथ अन्य 6-7 लोग हैं, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि उसकी बहन की शादी है, कल 2 बहन की शादी है, जरा माफ़ कर दीजिए, हम लोग बैठ करके ये समस्या हल कर लेंगे, मिट्टी करा दीजिए, नहीं तो दोनों बिरादरी शादी टूट जाएगा, कल बारात आने वाला है। और ये मुसम्मात का 6 महीना पहले बेटा एक गुप्त बड़ा मर गया, उसके बाद शौहर भी मर, पूरे ग्रामीण प्रेशर बढ़ा दिया कि इसका हर हालत में मिट्टी होना चाहिए, जबकि हम लोग कहे कि नहीं पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम बोला कि हो जाएगा तो फिर यहाँ तितिर बितिर हो जाएगा आदमी, फिर शादी ब्याह टूट जाएगा, बैठ के हम लोग जैसा होगा इंसाफ दिलाएंगे, आपका इंसाफ का खून नहीं होगा। लेकिन ये सब सिर्फ उनका छल था और उसमें कई मुखिया ने साजिश के तहत ऐसा मतलब कि मिट्टी दिलाने का काम किया, तो वो औरत थी, औरत उसकी माँ, लड़के का माँ मतलब बेहोश पड़ी हुई थी, वो कोई मशवरा दे नहीं पा रहा था, रात हो गया था, तंग आकर के मिट्टी दे दिया गया। उसके बाद मिट्टी के बाद पूरा डिटेल जानकारी मिला कि नहीं इसको फला फला ने मिल के मारा है, तब हम लोग जागे। बताइए जो रात में आप लोग जो बॉडी लेकर आ रहे थे, क्या हादसा हुआ आप लोगों के साथ रात में? बॉडी लेकर हम लोग आ रहे थे, टेम्पो आगे था, पीछे हम लोग थे, हम दो चौकीदार से थे, हम दोनों चौकीदार आए थे पीछे पीछे, वो मोटरसाइकिल लेके उधर बेलगाछी की तरफ से आ रहे थे, अचानक रोड में रोक दी, बीच रोड में गाड़ी लगा के, तो वो कहने लगा कि मादर चोद कहाँ जा रहा है तुम, गाड़ी रोको, तो ड्राइवर का भी हाथ पकड़ लिया, गाड़ी में 2 आदमी बैठल था तो उसका भी हाथ पकड़ लिया, वो तो भैंस यहाँ करने लगा, जब तो हो हल्ला करने पर तो वो हमारा साइड होते हुए फिर दक्षिण की तरफ वो भाग गए, तो हम गश्ती गाड़ी मेरा बेलगाछी यहाँ भनसिया चौक में खड़ा था, तो भनसिया चौक फ़ोन किए कि इधर से एक गाड़ी जा रहा है पल्सर, उनको रोकिए, ऐसे ऐसे मामला किया, वो छीन छोड़ कर रहा था, सौ हम लोगों को छीन रहा था, तो गश्ती गाड़ी उधर से आए तो उनको भेटाया नहीं, तो हम बेलगाछी में आके गाड़ी खड़ा कर दिए, तो और गश्ती गाड़ी भी हमारा आ गया वहाँ से, तो हम खड़ा बीच में गाड़ी देखते हैं कि अचानक फिर गाड़ी के बीच में लगा दी, वो दोनों से लड़का बोलने लगा कि साला अभी तक यही है, तो हम लोग डेड बॉडी छीनना चाह रहा था, हाँ डेड बॉडी छीनना चाह रहा था, जिसमें हम लोग इसलिए पहचान में आ गए, तो कहे कहा है तुम इस तरह किया, कौन है, क्या रिलेशन है, तो हम दोनों उनको धरे उसको, तो उनको हम बेलगाछी थाना में जमा करके तब डेड बॉडी लेके हमने अरेरिया आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोग नारायण माझी है। कितने बजे की घटना है ये? ये 2 बजे। 2 बजे रात के? 2 बजे रात के। अच्छा, 3 बजे के द्वारा हत्या करके काट दिया गया। हाँ, नौशाद आलम की हत्या हुई थी और उसके बाद वो पत्नी के द्वारा या वहाँ पे जो हत्या किया था तो ये लोग पंचायती करके और लाश को गाड़ दिया था, जबकि स्पष्ट तौर पर हत्या की बात आ रही थी और उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो जब वादी के द्वारा सूचना दिया गया उसकी माँ के द्वारा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, गले की हड्डी टूट गया है, तो उसको दफना दिया गया था, लाश को निकलवा के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें 6-7 आदमी को नामजद है, अनुसंधान में प्रवेक्षण किया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सम्मिलित है, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी छापामारी की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके की जाए। बताया जा रहा है कि पत्नी के द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर हत्या किया गया। हाँ, ऐसा आवेदन का आरोप आया है, इसकी जांच कर लेते हैं जिसमें क्या सच्चाई, लेकिन उसके गले पर और सब पर चोट का निशान है।
सब आने के क्रम में उसके साथ शव आने के क्रम में चौकीदार गाड़ी पे था तो उसमें दो व्यक्ति जो सोचा कि ये इसमें क्या लेके जा रहा है, कहीं कोई संदिग्ध सामान है कि क्या, इसी के कारण वो गाड़ी के पीछा करके उस सामान को देख रहा था, लेकिन वो बैरगाछी का ही था, दूसरा व्यक्ति था, सबके साथ कोई मैंने की नहीं था। वो सोचा कुछ सामान ताबूत को क्या लेके जा रहा है रुकवाने का, इसी क्रम में उसको पीछा कर रहा था तो उसको पकड़ के उसको भी रखा गया है, उसको इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि वो क्यों पीछा कर रहा था। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।